डिटर्जेंट एक ऐसी चीज़ है जो क्या कर दे भाई, किसी भी डर्ट को निकाल दे, है ना। एनी सब्सटेंस विच रिमूव डर्ट, कोई भी चीज़ जो डर्ट को, गंदगी को निकाल दे पानी में जाने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट दो तरह का होता है, एक सोपी और एक नॉन सोपी। सोपी मतलब जो साबुन है, नॉन सोपी मतलब जो डिटर्जेंट है। सोपी जो होता है वो हार्ड वाटर में उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन डिटर्जेंट हमारा हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये दोनों फर्क है। अगर आपको बोले कि सोप और डिटर्जेंट में फर्क लिखो तो लिख दोगे, सोप में क्या लिखोगे बच्चों, सोप में आप बोलोगे सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और इसमें डिटर्जेंट में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ, जल्दी बोलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात क्या बोलोगे, सोप इज नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर वाइल डिटर्जेंट इज इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, है कि नहीं। सोप सोपी इन टच, है ना, और डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोपलेस सोप। डिटर्जेंट को हम लोग सोपलेस सोप भी बोलते हैं, सोपलेस सोप। क्यों? क्योंकि भाई साबुन जैसा काम करता है, झाग बनाता है लेकिन साबुन है नहीं, साबुन जैसा काम करता है लेकिन साबुन है नहीं, सोप प्लस सोप, है ना। उसके बाद आप बोल देना सोप मेक्स मोर लेदर, सॉरी डिटर्जेंट मेक्स मोर लेदर देन सोप। डिटर्जेंट में ज्यादा झाग बनता है ना, और सोप में कम झाग बनता है हार्ड वाटर में अगर देखा जाए तो, है ना। तो अभी देखो आप क्या कर सकते हो, आप इसका टेस्ट भी कर सकते हो। आप क्या करना, पानी ले लेना, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, या आप घरों में जग में पानी ले लेना। पानी लेने के बाद एक में साबुन डालो और एक में डिटर्जेंट डालो, आप देखो दोनों में से झाग किस में बनेगा। आप देखना और कमेंट करना कि झाग डिटर्जेंट वाले में बना या साबुन वाले में बना, है ना। एक एक गिलास पानी ले लेना ताकि दिखे भी आपको आराम से। एक एक गिलास पानी ले लेना जो कांच का गिलास हो, ताकि दिखे आर पार पूरा पूरा। एक में साबुन डाल देना, एक में डिटर्जेंट डालना, वॉशिंग पाउडर जो घर में रहेगा जिसको सरफ बोलते हो आप, वो डालना। देखना आप किस में ज़्यादा झाग बनेगा। तो आप देखो कि डिटर्जेंट में ज़्यादा झाग बनता है, डिटर्जेंट इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि जो वाटर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन रहेंगे, तो हार्ड वाटर में हमारा साबुन ज़्यादा झाग नहीं बना पाता है, और वैसे भी साबुन उतना ज़्यादा झाग नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसलिए कपड़े वगैरह धोने में हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो आप, एक ट्यूबवेल का पानी लेना, हैंडपम्प का पानी, है ना, कहीं से, या कुएं हुए का पानी कहीं से देखना अगर पॉसिबल हो तो, या टैप वाटर, नॉर्मली उसमें भी थोड़े बहुत आयन होते हैं, वो ले लेना। और एक फिल्टर पानी ले लेना, एकदम फिल्टर पानी। दोनों में फिर साबुन देखना, फिर देखना झाग किस में बनता है। तो जो फिल्टर पानी है उसमें ज़्यादा झाग बनेगा और उसमें झाग नहीं बनेगा, मतलब सॉफ्टवेयर वाटर में झाग ज़्यादा बनता है क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन नहीं होते, जबकि टैप वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होंगे। घर में नल होगा, नल का पानी जो डायरेक्टली आता हो उसमें कुछ आयन्स भी रहते हैं, है ना। अगर ट्यूबवेल और हैंडपम्प वगैरह नहीं मिल पाया, कुआं वगैरह, तो उससे कर लेना। तो ये आप करके देखें और मुझे बताना कि किसमें ज़्यादा झाग बन रहा है, रीज़न बताया मैंने क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया फ़र्क। और क्या बोल दोगे कि भाई साबुन और डिटर्जेंट में फ़र्क, साबुन जो होता है, एक चीज़ और याद रखना, चौथा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि साबुन हमारा बायोडिग्रेडेबल है, जबकि डिटर्जेंट में एक कमी है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब सर ये समझा नहीं, जो साबुन का पानी जब गंदा हमारे नदी में, है ना, जो जिस नदी में जा रहा है या जिस तालाब में जा रहा है या जहाँ पे भी, है ना, वो पानी जो गड्ढे से होता हुआ कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो उस नदी तालाब पानी को खराब कर देगा, गंदा कर देगा, पॉल्यूशन कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, क्योंकि उसके जो मॉलिकुल्स होते हैं वो, डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब टूटते नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, उनका काम क्या होता है, डिकम्पोज करना, है ना, गंदगी को तोड़ तोड़ के खा जाना, खत्म कर देना। तो वो उस मॉलिक्यूल को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि पॉल्यूशन फैलाता है, कौन, डिटर्जेंट। लेकिन साबुन की एक अच्छी बात है कि वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उसको आसानी से उसके मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और वो आसानी से ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा डिटर्जेंट खत्म नहीं होता है क्योंकि उसको तोड़ ही नहीं पाते हैं। तो डिटर्जेंट क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। अगर नदी तालाब में गया तो वहाँ के प्लांट्स को, नदी तालाब में रहने वाले प्लांट्स को, वहाँ के मछलियों को वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी।